Hey guys, welcome to my channel. Hi, my name is Dipanshi and I make videos related to beauty, fashion, lifestyle and food. And this is my first YouTube video. So if you like this video, please like, share and subscribe to my channel. And you can follow me on Instagram. I will put Instagram handle in the description box. So you can follow me on Instagram. So today's video is all about Sarojini Nagar Hall. Everyone's favorite Sarojini Nagar Hall. So without further ado, let's quickly jump into the video. इस वीडियो में पास क्लोथिंग सेक्शन काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आइटम्स है और एसेसरी. तो पहले हम क्लोथिंग सेक्शन में देख लेते हैं. तो पहले क्लोथिंग सेक्शन में टॉप से स्टार्ट करते हैं. मैंने काफ़ी सारे टॉप परचेज करे हैं. तो फर्स्ट टॉप है ये व्हाइट कलर का, बहुत सुंदर टॉप है. ये थोड़ा ऑफ शोल्डर में, इसको ऑफ शोल्डर भी पहन सकते हो और वैसे ही पहन सकते हो. यहाँ पे स्टार्टिंग में रफल डिटिंग है, कॉलर पे रफल डिटिंग है स्लीव्स पे और इसके एंड्स में भी बहुत प्रिटी है. और सेंटर में बटन्स की डिटेलिंग है. काफ़ी क्यूट टॉप है और थोड़ा ज़्यादा सी थ्रू नहीं, मतलब वाइट टॉप तो वैसे थोड़े सी थ्रू है. तो इसको आप अपने न्यू अंडरगार्मेंट सब वेयर कर सकते हो. काफ़ी अच्छा लगता है, जैसे आप मूवी डेट पे जा रहे हो, लंच में जा रहे हो, डिनर पे, काफ़ी अच्छा लगता है. और ब्लू डेनिम्स के साथ, ब्लैक के साथ काफ़ी अच्छा लगेगा. ये मैंने 198 शॉप नंबर से लिया था और ये मेरे को 150 का पड़ा और भैया ने 250 इतना कुछ बताया था. मेरे को 150 के हिसाब से काफ़ी अच्छा है. मैं तो चाहती थी 100 ले दें, बट 100 में उन्होंने, क्योंकि आजकल अब सरोजनी पहले जैसा नहीं रहा, उतना बार्गेनिंग का स्कोप नहीं रहा, बट फिर भी मैंने इसे 150 में ले लिया. 150 में अच्छा परचेज है. यहाँ पे ट्रांसपेरेंट स्टेप है बट ये कुछ इतना यूज़ की नहीं है. काफ़ी अच्छा टॉप है 150 के हिसाब से. सो फर्स्ट परचेज मेरा ये है. आइटम मेरे पास ये ब्लैक रिप टॉप है. ये रिप मटेरियल में थोड़ा काफ़ी मोटा मटेरियल है, ज़्यादा मोटा नहीं है, आप इसे वेयर कर सकते हो. और इसकी स्लीव्स इतनी है, मतलब यहाँ तक इसकी स्लीव्स आएगी. इस पर स्ट्रैप्स का पैटर्न है काफ़ी अच्छा और इसकी ऐसी नेक है तो काफ़ी अच्छा, काफ़ी स्मार्ट टॉप है. और ना ज़्यादा क्रॉप है ना ज़्यादा शॉर्ट है, जैसे वाइट की लेंथ ही वैसे उतना है. और इसका मटेरियल भी अच्छा है. ये मैंने 30 से लिया था. ये 100 रुपीज़ में 30 लगी रहती है वहाँ पर, मतलब कोई बार्गेनिंग नहीं होता, जो है वही है. तो 100 रुपीज़ का लिया था, काफ़ी अच्छा था डेली यूज़ के लिए. और ब्लू डेनिम के साथ ये काफ़ी अच्छे से स्कर्ट्स के साथ, शॉर्ट्स के साथ आप इसे पहन सकते हो. ये मतलब आगे से पीछे इसका सेम डिज़ाइन है. तो ऐसे बेसिक टॉप्स काफ़ी अच्छे लगते हैं, ऐसे डेली वेयर के लिए आप कॉलेज में पहन सकते हो. ये 100 रुपीज़ का काफ़ी अच्छा है, इसका मटेरियल काफ़ी अच्छा है. नेक्स्ट आई हैव दिस कैमी टॉप. ये ज़ेब्रा प्रिंट की कैमी टॉप है और ये काफ़ी, इसका मटेरियल काफ़ी अच्छा है. ये मैंने 30 से लिया था. ये वहाँ पे DLF के पास ही वहाँ 30 लगी हुई थी, जहाँ पे फूड स्टॉल भी है वहीं से लिया था. वो 100 रुपये में काफ़ी सारे थे तो मैं ब्लैक और इसमें कन्फ्यूज थी. फिर मैंने फाइनली इसमें परचेज़ किया. मेरे को ये थोड़ी सी लूज है, मुझे थोड़ा सा ऑल्टर कराना पड़ेगा, बाकी ये काफ़ी अच्छी है. ये जैसे आप पेयरिंग जैसे जैकेट्स पहन रहे तो उसके साथ काफ़ी अच्छे लगे. तो आप ऐसे पहन सकते थे डेनिम शॉर्ट्स के साथ, स्कर्ट के साथ काफ़ी अच्छे लगते हैं. ऐसे बेसिक्स कैमी टॉप, टैंक टॉप ये सब अच्छे लगते हैं. इसका मटेरियल काफ़ी अच्छा है, समर्स के लिए परफेक्ट है. मूविंग टू नेक्स्ट आई हैव दिस बेसिक शर्ट. ये शर्ट आपने सबने देखी होगी, काफ़ी बेसिक शर्ट है, मतलब ऑलमोस्ट सबके पास. मेरे पास भी ऐसी शर्ट थी पर वो ट्रांसपेरेंट थी, मुझे काफ़ी टाइम से ऐसी शर्ट चाहिए थी. और ये मैंने जो सब्जी मंडी लेन है उसमें, वहीं से स्टार्टिंग में थी, भैया ने 30 पे 80 रुपीज़ की लगा रखी थी तो उसमें मुझे ये मिली. और काफ़ी अच्छी, मतलब इसको कहीं से भी नहीं लग रही, थ्रिफ्ट मटेरियल कोई पुराना है. फुल स्लीव्स की शर्ट है और थोड़ी क्रॉप शर्ट है ये. और तो काफ़ी अच्छे ओपन अप करके इसे नीचे कैमी टॉप पहन ली और जीन्स के साथ, किसी के साथ काफ़ी अच्छी लगती है. तो मेरे को उसका मटेरियल काफ़ी अच्छा है, मतलब कॉटन मटेरियल है, समर्स के लिए एकदम परफेक्ट है. और सिर्फ 80 रुपीज़ में, 80 रुपीज़ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप. तो काफ़ी अच्छी है 80 रुपीज़ के हिसाब से. और ऐसी शर्ट मेरे ख्याल सबके साथ, सबके पास होनी चाहिए. ये जैसे आप कहीं भी, आपको समझ नहीं आता, आप ऐसी शर्ट कैरी कर लीजिए, बहुत अच्छी लगती है. द लास्ट टॉप ऑफ दिस हॉल इज दिस वेरी क्यूट माई फेवरेट वन. ये मतलब ऐसे क्रॉप टॉप है, यहाँ पे लासे गए, मतलब सबको फिट आ जाएगा, ये एक फ्री साइज है. और यहाँ पे नेट की स्लीव्स है, बहुत क्यूट है. यहाँ पे क्या बोलते हैं, बलून स्लीव, सॉरी बलून स्लीव्स है. और इसका बहुत क्यूट कलर है, ब्लू कलर है. यहाँ पे पिंक फ्लावर्स की डिटेलिंग है, इससे कितना क्यूट है ये टॉप. इसको ऐसे पैंट्स के साथ, शॉर्ट्स के साथ, डेनिम के साथ, इसके साथ पहने कितना, एक क्रॉप टॉप है, काफ़ी अच्छा लगता है पहने. इसको आप ऑफ शोल्डर पहन सकते हो, नहीं नॉर्मल पहन सकते, दोनों तरफ से बहुत अच्छा लगता है. और ये मैंने शॉप से लिया था, 200 रुपीज़ से फिक्स शॉप थी, वहाँ कोई बार्गेनिंग थी. और मुझे लगता है 200 के हिसाब से आप ऑनलाइन देखें तो ऑनलाइन भी 300-400 का मिलेगा, पर 200 के हिसाब से काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा मटेरियल है, बिल्कुल नया है, कहीं से भी रिजेक्टेड कुछ नहीं है. तो 200 के हिसाब से काफ़ी अच्छा है, तो मैंने ये परचेज कर लिया. बहुत क्यूट टॉप है ये. टॉप से सारे ओवर ओवर टॉप्स मैंने इतने परचेज किए. अब मैं आपको पैंट्स और डेनिम दिखाती हूँ. पैंट्स में मैंने ये बेसिक ब्लैक पैंट परचेज करी, मुझे काफ़ी टाइम से ब्लैक पैंट चाहिए थी. इसमें कोई बटन्स नहीं है, ये ऐसे ही पीछे यहाँ पे इलास्टिक्स है. तो ये 26 साइज़ है, ये काफ़ी अच्छी है. थोड़ी सी फ्लेयर, ज़्यादा फ्लेयर नहीं, थोड़ी सी फ्लेयर है. और इसमें बेस्ट पार्ट में पॉकेट वाली चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है.
और ना ये कुछ जिप है, काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल साइज एकदम फिट आ रहा है। और ये ब्लैक कलर काफ़ी अच्छा से, एक तो होता है वो डस्ट वाला होता है, इसमें डस्ट चिपक गया था, बट इसमें ऐसा नहीं है। ये मैंने शॉप से, ये मैंने सब्जी मंडी वाले लेन से ही लिया था एक शॉप से, तो भैया ने मुझे 350 ऐसा कुछ बताया था, फिर एट लास्ट भैया 200 में माने। और ऐसे नहीं, उसी शॉप पे पूरा सरोजनी को भरा था पैंट्स, और आगे 150 की मिली थी, पर मैंने 200 की परचेज कर ली। पर ठीक है, 200 की भी तो काफ़ी अच्छी है, जैसे इसके साथ सबके साथ अच्छी लगेगी, शर्ट के साथ किसी के साथ भी आप पेयर कर सकते हैं। तो ये 200 की मैंने पैंट ली थी। सेकेंड लास्ट प्रोडक्ट इज दिस डेनिम, इसे मैंने डेनिम भी परचेज करी, ये हाई वेस्ट डेनिम है, और ये फ्लेयर मतलब स्ट्रेट डेनिम है, फ्लेयर तो नहीं मतलब स्ट्रेट डेनिम है, और यहाँ पे थोड़ा रिप्ड मटेरियल, उसका कलर भी काफ़ी अच्छा है, मिड ब्लू होता है ना, तो ये काफ़ी, ये मैंने शॉप 198 से परचेज की, जो फेमस है अपने डेनिम ड्रेसेस टॉप सबके लिए फेमस है वो। इसे मेरा साइज 26 है, मुझे अच्छे से फिट हो रही है ये फ्लेयर, बस मैं थोड़ी सी इसकी लेंथ थोड़ी सी मैं छोटी लगी, मतलब मेरी हाइट थोड़ी 5'6" है, तो उसके हिसाब से थोड़ी सी इसकी लेंथ छोटी, बाकी इसमें कोई कमी नहीं है। और ये मुझे डेनिम भी काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल गई थी, भैया ने मुझे 400 बोले थे, बट मैंने एट लास्ट उस पर 250 लाई हूँ, तो मतलब 250 के हिसाब से तो डेनिम काफ़ी, क्योंकि 300-350 की नहीं मिलती है, तो मैं 250 की ली आई, और काफ़ी हाई वेस्ट डेनिम है, और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल देखिए यहाँ पर, और थोड़े से थ्रेड्स निकाल रखें तो काफ़ी कूल लगते हैं, और ऐसी डेनिम काफ़ी अच्छी लगती है, कोई भी टॉप, कोई भी बेसिक टॉप के साथ ऐसी डेनिम पहन लीजिए। मुझे ऐसे टाइप की डेनिम काफ़ी टाइम पर चाहिए थी, तो मैंने ये 250 की परचेज करी 198 शॉप नंबर से। क्लोथिंग आइटम ऑफ दिस हॉल इज दिस डेनिम जैकेट, मेरे पास डेनिम जैकेट थी नहीं, मतलब मेरे पास थी वो थोड़ी टाइट थी, तो जो मुझे थोड़ी लूज और क्रॉप में चाहिए थी, और ऐसी परफेक्ट साइज मैंने परचेज कर ली, ये लूज भी और क्रॉप भी है, देखिए काफ़ी अच्छा, उसका कलर कितना ब्यूटीफुल है एकदम, मतलब ये ब्लू के एकदम मिड वाला ब्लू है, और काफ़ी अच्छी है। अब गैस वॉट, मैंने इसे भी 250 में परचेज करी, भैया ने उसे 350 बोले थे, तो मैंने भी कुछ लग रहा मैं इसे 200 में ले सकती, बट मैंने फिर 250 बोल दिया, तो मैंने 250 में ही ले ली, मैंने मुझे एक बार में 250 में दे दी, भैया ने कुछ नहीं बोला कि नहीं नहीं नहीं, मुझे लगता मैं 200 में ले सकती थी, बट कोई बात नहीं चलो 250 में। अब इसमें पॉकेट्स में चार पॉकेट्स है, दो ऐसे बटन अप वाली और दो ऐसे वाली, काफ़ी अच्छी क्रॉप है। और डेनिम तो भाई सदा सबको मतलब डेनिम सदा बाहर है, आप उसको गर्मी सर्दी सब में पहन सकते हैं। और मैंने वैसे साथ में जो मैंने आपको ज़ेब्रा प्रिंट का टॉप दिखाया था, ये और ये साथ में तो काफ़ी अच्छा लगेगा डेनिम का, कोई भी जैसे आपके बेसिक टी शर्ट खा उसका वो डेनिम पहन लीजिए, उसका लुक ही एकदम चेंज हो जाता है। और 250 के हिसाब से उसको मटीरियल सभी फुल स्लीव्स की है, और काफ़ी अच्छे थोड़ी लूज पैटर्न में क्रॉप में, तो 250 के हिसाब से बेस्ट है। आपको जल्दी से एसेसरीज दिखाती हूँ, वैसे मैं ज़्यादा परचेज नहीं की, जो मैंने परचेज किया मैं आपको जल्दी से शो करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको एयरिंग्स परचेज, मैंने दो एयरिंग्स परचेज की है, तो सबसे पहले ये ट्रेडिशनल एयरिंग्स हैं जो हम सूट लहंगे के साथ पहन सकते हैं, ये वाइट मतलब थोड़े ऑफ वाइट कलर के, बहुत प्रीटी हैं, आई होप आपको दिख रहे होंगे, काफ़ी अच्छे। ये 100 की वो थी जो ऐसे राउंड लगे होते 30 टाइप उसमें थे, ये मैंने स्टार्टिंग में परचेज कर लिए, जैसे हम सब्जी मंडी में लगे रहते हैं ना, वहाँ पे मैंने परचेज कर लिए थे, काफ़ी अच्छे, जैसे आप सूट साड़ी लहंगे किसी के साथ भी पेयर कर सकते हैं, काफ़ी सुंदर होते हैं, और 100 के हिसाब से काफ़ी सुंदर एयरिंग्स है, तो मैंने ये परचेज कर लिए। तो एक थोड़ा मैंने वेस्टर्न में ले ली, ये मैंने वेस्टर्न में लिए हैं, और ये मैंने 50 की सेल थी एयरिंग्स की, मैंने 50 के लिए वेस्टर्न, काफ़ी सुंदर है, इसमें काफ़ी सारे कलर्स अवेलेबल है, ग्रीन थोड़े बेज कलर, मैंने ब्राउन कलर काफ़ी अच्छा लगता है, कितने सुंदर लगते हैं। अब इसके किसी के साथ जैसे आप ये आउटफिट्स हैं, कोई भी आउटफिट आप गाउन में किसी के साथ पेयर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगेगा, और काफ़ी लाइट वेट, बिल्कुल वेट नहीं इनमें, तो 50 के हिसाब से बहुत सुंदर हैं, काफ़ी प्रिटी हैं ये। जैसे हेयर क्लिप्स है, मुझे हेयर क्लिप्स का बहुत शौक है, स्पेशली कलरफुल हेयर क्लिप, मैं पहले गई थी, मैं पहले भी लेके आई थी, इस बार मैंने पिन लिया, मुझे थोड़ी कॉस्टली लगी, मुझे 20 का मतलब सिंगल पेयर लगा, इसमें इसमें बहुत सारे पिंक ऑरेंज येलो ब्लू के स्टोन्स हैं, तो मुझे ऐसे दो मिलते तो अच्छा लगता, पर मुझे भैया ने सिंगल दिया 20 का, बट मैंने ले लिया, मुझे अच्छा लग रहा था। ऐसे आप ऐसे लगा लो कितना सुंदर लगता है, आप कहीं ऐसे बाहर जा रहे हो डे आउट के लिए, तो ऐसे कलरफुल पिंस बहुत सुंदर लगती है, 20 के लिए मैंने, जैसे वो बेसिक पिन थे, तो यहाँ पे मैंने थोड़ी फैशनेबल पिंस लिए, जिससे आप अपने इंडियन आउटफिट का वैसे लहंगों के साथ सूट के साथ सी, कितनी प्रिटी है ये, इन्हें आप ऐसे वेयर कितने सुंदर लगता है, आपको भी ऐसे सिम कुछ आपको हेयर स्टाइल समझ नहीं आ रहा, तो आप ऐसे क्लिप्स लगा सकते हैं, ऐसे थोड़े से कर्ल्स करके, ये 100 में भैया 4 दे रहे थे, तो मैंने 2 लिए 25 तो 25 के हिसाब से अच्छे काफ़ी दे, कितने शाइनिंग में, तो ये दो मैंने अलग अलग लिए, बहुत सारे डिज़ाइन थे, आप कोई भी परचेज कर सकते हो 25 में, तो आप उसे गाउन के साथ साड़ी सूट लहंगो सबके साथ इसे पेयर कर सकते हो, अगर आपको कुछ हेयर स्टाइल समझ नहीं आ रहा, तो मैंने कहा ये बहुत सही है 25 की, तो मैंने 2 ले ली।
नाउ मूविंग टू द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस हॉल, दिस इज कॉल्ड चोकर। ये मुझे चोकर का पूरा सेट मिला, गैस वॉट ये मुझे सिर्फ 100 रुपीज मिला। इसमें सिर्फ खाली चोकर नहीं है, मैं पहले आपको उसमें चोकर दिखाती हूँ। बहुत प्रिटी चोकर है, सी ये सिल्वर चोकर है, कितना सुंदर है। मुझे देखते ही इतना पसंद आ गया था ना ये चोकर सी। इससे आप लहंगे, साड़ी, गाउन किसी के सूट कर किसी के साथ भी पहन सकते हैं। सिल्वर कलर का, सिल्वर सबके साथ चल जाएगा। इस पर गोल्डन की चेन है, काफ़ी सुंदर। और बेस्ट पार्ट, ये सिर्फ चोकर नहीं है, इसके साथ और भी चीज़ें मिली है। इसके साथ हमें ऑब्वियसली इसके एयरिंग्स मिले, मैचिंग एयरिंग्स सिल्वर कलर के। और इसके साथ मुझे ब्रेसलेट मिला है, कितना प्रिटी है ब्रेसलेट। ये भी सिल्वर कलर का, यहाँ पर चेन है। और इसमें हमें रिंग भी मिली है, एक कितनी सुंदर है रिंग भी। और ये सब मतलब टोटल 4 आइटम्स हो गए, तो 4 आइटम्स के लिए 100 रुपीज मतलब बहुत वर्थ है। ये मैंने बिग सी लेन में जहाँ बैग्स लगते हैं स्टार्टिंग में ही, वहीं से भैया बैठ रहे थे, उनके पास काफ़ी वैरायटी ऑफ चोकर्स मैंने सिल्वर गोल्डन सारे कलर के चोकर सिर्फ 100 रुपीज में, जो ऐसे बॉक्स में थे वो 100 रुपीज में, बाकी जो ऐसे लगा रखे थे थोड़े कॉस्टली थे, तो मैंने इसमें से परचेज किया। और मैंने कहा 100 रुपीज का बहुत सही है, इसे आप आराम से किसी भी सिंपल आउटफिट या कोई भी ऐसा सिंपल आउटफिट का वेयर कर लिए तो आउटफिट में आपके 4 चांद लग जाएंगे, तो 100 रुपीज सबसे बेस्ट है। सो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे सपोर्ट करना ताकि मैं आगे ग्रो कर सकूँ। अब मैं आपको मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।